गाइस, स्वागत है आप सबका योगा विद नैन्सी यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि डिलीवरी के बाद कैसे आप अपना वजन कम कर सकें और ज़्यादा आपके पेट पे वजन बढ़ने के क्या कारण हैं और कैसे आप अपनी बढ़ी हुई पेट पे जो चर्बी है उसको कम कर सकते हैं। देखिए, माँ बनना हर एक महिला के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका होता है और इस टाइम पे ज़्यादातर महिलाएं पूरा बच्चे का ध्यान रखने के चक्कर में कभी कभी हम जितना बच्चे को पोषण चाहिए हम उससे ज़्यादा ही खा लेते हैं, तो उस चक्कर में भी कुछ हमारा जैसे फैट स्टोरेज हो जाता है जो बाद में कम करने में दिक्कत आती है। देखिए, कहा जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं ना तो आपको 300-400 कैलोरीज काफ़ी हैं बच्चे को पोषण देने के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो आपका फैट में स्टोर होगा और बाद में आपको कम करने में दिक्कत आएगी। स्टार्टिंग से ही अपनी पूरी प्रेगनेंसी में आप अपनी डाइट को बैलेंस रखिए, जितना ज़रूरत है उतना ही खाइए, एक्सरसाइज वर्कआउट आप करते रहिए, तो इससे आपका बाद में वज़न कम करने में भी आपको मदद मिलेगी। और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना तो आपकी बॉडी में काफ़ी कुछ चेंज होते हैं, उसके कारण भी आपका वज़न बढ़ जाता है। किसी किसी को थायराइड होता है तो वो उसकी वजह से भी उनका वज़न बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसा आप क्या करें, कुछ तो नेचुरल चीज़ें हैं कि वो करने से आपका वज़न कम हो जाएगा, कुछ आपके खाने पीने में चेंजेज करने होंगे आपको जिससे आपका वज़न कम हो जाएगा। पेट पे बढ़ा हुआ वज़न भी और पूरा शरीर का वज़न भी आपका कम होगा ही होगा। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद लीजिए, आपको 8 से 10 घंटे की नींद पूरी करनी है। देखिए, ये तो है कि बेबी आपकी ज़िंदगी में जब आया है, बच्चा आपकी ज़िंदगी में आया है, तो अब आपका पूरा ध्यान उसी की देखभाल करने में आप बिजी हो जाओगे। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे की देखभाल करते करते आप अपना ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाते हैं, तो आप ऐसा अपने साथ बिल्कुल ना करें। घर में जो भी आपके साथ है, जिसकी भी आप मदद ले सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी आप हिचकिचाएं ना। और रात को जैसे स्टार्टिंग में तो बच्चों के सोने का पैटर्न ऐसा होता है कि वो पूरी रात ऐसे जगते हैं और वो दिन में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। रात को उसके साथ जगना पड़ रहा है तो आप दिन में नींद अपनी पूरी कर लीजिए, जैसे बच्चा सोता है तो आप भी उसके साथ लेट जाइए और अपनी नींद पूरी कर लीजिए। थकान भी जब शरीर में होती है ना तो उससे भी ज़्यादा वज़न बढ़ता है, और थकान तो देखिए तभी होगी जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो पहला तो आप अपनी नींद पूरी कर लीजिए, दूसरा कि आप ब्रेस्ट फीड कराइए अच्छे से। देखिए, ब्रेस्ट फीड एक नेचुरल तरीका है, भगवान ने हमें शक्ति दी है कि हम अपने बच्चे का पेट भी भर सकते हैं और अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। जितना लंबे टाइम तक आप ब्रेस्ट फीड करा सकें आप करिए। कहा जाता है कि 6 महीने तक तो बच्चा बिल्कुल आपकी ब्रेस्ट मिल्क पर या फिर जो फॉर्मूला मिल्क जो लोग देते हैं तो दूध पे ही डिपेंडेंट होता है, और उसके बाद भी अगर जितने लंबे टाइम तक आप कर सकते हैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड तो आप कीजिए, उसमें बिल्कुल हिचकिचाने वाली बात नहीं है। तीसरा कि आप जब भी पानी आप पीते हैं ना तो वो आप गर्म पानी पीजिए, जैसे आप अजवाइन का या फिर जीरे का पानी भी ले सकते हैं। जिन लोगों को ब्रेस्ट मिल्क कम बनता है तो ये मिल्क प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ आपकी पेट पे बढ़े हुए वजन को कम करने में भी, और फेस पे या फिर बॉडी में जहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा वजन बढ़ा हुआ है डिलीवरी के बाद, तो वजन कम आपका हो जाएगा। इसमें आप क्या कर लीजिए, आप जैसे 2 गिलास आपने पानी लिया उसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डाला या फिर 1 बड़ा चम्मच अजवाइन डाली, या आप मेथी भी डाल सकते हैं। मेथी का पानी भी उबाल कर ऐसे पीने से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जो पानी आपको ज़्यादा सही लगता है पीने में, टेस्ट आपको सही लगता है, जैसे मैंने अपने टाइम पर जीरे का पानी पिया था, मैंने 3 मंथ तक मैंने, हाँ जितनी बार भी मैं पानी पीती थी मैं जीरे का उबला हुआ हल्का निवाया पानी ही पीती थी। उसमें आप जैसे 2 गिलास पानी लिया, 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल के उबाल लीजिए और जब तक वो आधा ना हो जाए उसको उबालते रहिए। फिर छान कर आप जब वो हल्का हल्का गर्म हो तब आप घूंट भर भर कर पी लीजिए। ऐसे ही आप अजवाइन का पानी बनाकर पी सकते हैं और ऐसे ही मेथी का पानी भी आप बनाकर पी सकते हैं। तो ये तीनों का ही गर्म जब निवाया पानी आप पीते हैं ना तो आपकी पेट पे बढ़ी हुई चर्बी ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और सब्जियों में, खाने पीने में आप जैसे सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा इंक्लूड कीजिए, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं उस सीजन में जो आपको मिलती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, और जो डिब्बे में बंद फ्रूट्स या फिर आते हैं तो वो आप बिल्कुल मत लीजिए, उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और डिलीवरी के 2 मंथ्स के बाद तो आपने बिल्कुल चीनी
अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है ना कि आपने वजन कम करना है, तो आप चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। शुगर आपकी बिल्कुल, जो एडिशनल शुगर होती है ना, वो बिल्कुल बंद। जो फ्रूट से आपको मिल रही है वो काफ़ी है, लेकिन बाहर से आपने चीनी बिल्कुल नहीं खानी। जैसे हम गूंद के लड्डू या फिर कोई घी आटे में ड्राई फ्रूट्स मिला के जैसे हम ऐसा कुछ बनाते हैं प्रेगनेंसी में खाने के लिए, तो वो आप कोशिश कीजिए वो 1 या 2 महीने के अंदर ही अंदर वो आप खा के वो फिनिश कर दीजिए। उसके बाद आपने वो बिल्कुल नहीं खाना है अगर आप सीरियस हैं वेट कम करने के लिए। तो एक्सरसाइज वगैरह आप कीजिए, जैसे थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो आप एक्सरसाइज करते थे वो अभी भी आप कर सकते हैं जब आप आराम से बैठने लायक हो जाएं। या फिर जैसे अगर आपसे ज़मीन पर नहीं बैठा जा रहा है स्टार्टिंग में, तो आप चेयर पर बैठ कर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या घर में ही हल्का फुल्का आपने जैसे वॉक कर ली, लेकिन 10 दिन के बाद आप बाहर जाकर भी वॉक कर सकते हैं। आप 30 मिनट से स्टार्ट, 15 से लेकर 30 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए, और 2 मंथ के बाद तो आप 1 घंटे की वॉक आराम से कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको इतना टाइम नहीं मिलता, तो जब भी आपको टाइम मिले पूरे दिन में आपको 1 घंटे की वॉक करनी है और प्राणायाम आपको करनी है। तो आप अपना ध्यान रखिए डिलीवरी के बाद, और कुछ ही छोटी छोटी टिप्स हैं इनका भी ध्यान रखिए, ताकि आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें, अपनी बॉडी वेट को मेंटेन कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।